प्राचीन काल से हम बहुत सारी गुरु और शिष्यों की कहानियां सुनते आ रहे हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य और कई सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। आज मैं वैसे ही एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसमें शिष्य अपने ही विद्या के घमंड में आके अपने गुरु को चुनौती दे बैठता है। शिष्य, तुम अपने विद्या के घमंड में आकर अपने ही गुरु को चुनौती दे रहे हो। गुरुदेव, आप कह रहे हो घमंड तो घमंड सही। आपके यहाँ पे आने का प्रयोजन मैं समझ सकता हूँ कि आप भी मुझसे युद्ध ही चाहते हो। नहीं शिष्य, मेरा यहाँ पे आने का प्रयोजन युद्ध नहीं, तुम्हें समझाना है। अब बातें और समझाने का वक्त नहीं है गुरुदेव, ये वक्त है तो सिर्फ युद्ध का। बात को समझो शिष्य, एक गुरु अपने शिष्य के खिलाफ कभी भी युद्ध करने की सोचता भी नहीं। गुरुदेव, अब युद्ध शुरू हो चुका है और मैं अपने गुरु को चुनौती दे चुका हूँ, अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये विद्या हमने तुम्हें आत्मरक्षा और लोगों की रक्षा के लिए सिखाई थी। शिष्य, तुम्हें अधिक अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास अभ्यास और मुझे अभ्यास की आवश्यकता मुझे नहीं गुरुदेव, आपको। ठीक है, अब ये खेल खेलना बंद करो। ये खेल नहीं है गुरुदेव, ये युद्ध है और इस युद्ध का अंत हम दोनों में से एक की हार से ही होगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। क्षमा गुरुदेव, मैं अपने विद्या के अहंकार में आके एक गलती कर बैठा। मकसद है कि मेरा देश अजरा अमर, दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है।